क्या आपको पता है कि भारत में एक ऐसी जगह है जहां इन जगहों पर आत्माओं की शादी कराई जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर लाल कपड़ा दिखाता है तो क्या रेलगाड़ी रुक जाएगी? और क्या आप जानते हैं कि थोड़ी देर तक गोल गोल घूमने के बाद हम भी क्यों घूमने लगते हैं? ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, आपने हमेशा देखा होगा कि चमगादड़ हमेशा उल्टे लटके रहते हैं। इसका कारण यह है कि उल्टे लटके रहने से चमगादड़ बड़ी आसानी से उड़ान भर सकते हैं। अन्य पक्षियों की तरह वो जमीन से उड़ान नहीं भर पाते क्योंकि उनके पंख भरपूर उड़ान नहीं देते और उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि वो दौड़कर गति नहीं पकड़ पाते। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफाओं में दिन भर आराम करते हैं, सोते हैं और रात को ही निकलते हैं। ये सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते? इसका कारण यह है कि चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित हैं कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है। फैक्ट नंबर 2, आपने देखा होगा कि थोड़ी देर तक गोल गोल घूमने के बाद हम भी गोल गोल घूमने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस समय मनुष्य के आंतरिक कान में उपस्थित संवेदनशील द्रव्य भी घूमने लगता है। यही संवेदनशील द्रव्य मनुष्य के दिमाग को नियंत्रित करता है। रुक जाने पर भी यह पदार्थ कुछ देर तक घूमता रहता है। जितनी देर तक यह पदार्थ घूमता रहता है मनुष्य का दिमाग भी उतनी देर तक चकराता रहता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं जो कीबोर्ड हम यूज करते हैं उसमें सारे अल्फाबेट मिक्स क्यों है? सारे ABCD एक लाइन में क्यों नहीं है? दरअसल पहली बार जब टाइपराइटर का यूज किया गया था तब सारे अल्फाबेट को एक ही लाइन में रखा गया था, लेकिन इससे टाइपराइटर जल्दी खराब हो जाया करता था क्योंकि सभी लोग बहुत ही स्पीड से टाइप कर लेते थे। इसकी वजह से उन दिनों के टाइपराइटर के मैकेनिज्म बहुत ही जल्दी जाम होकर खराब हो जाता था। फैक्ट नंबर 4, कोई भी व्यक्ति यदि रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर लाल कपड़ा दिखाता है तो चालक उस लाल रंग को देखकर तत्काल प्रभाव में आ जाता है और अपनी गाड़ी को इमरजेंसी ब्रेक के द्वारा रोकने का प्रयास करता है। गाड़ी के रुकने पर आपको चालक को यह बताना पड़ेगा कि किस कारण से आपने गाड़ी को रुकवाई है। अगर आपका कारण उचित है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। यदि आप शरारत के उद्देश्य से गाड़ी को खड़ी करवाते हैं तो आपको RPF या RPSF को सौंप दिया जाएगा जिससे आगे की कार्रवाई रेल पुलिस के द्वारा की जाएगी। फैक्ट नंबर 5, बात करते हैं एक ऐसे जगह की जहां आत्माओं की शादी कराई जाती है। इस अद्भुत प्रथा का पालन कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में किया जाता है जहाँ मृत लोगों की आत्माओं की पारंपरिक तरीके से शादी कराई जाती है। इस परंपरा को प्रेता कल्याणम के नाम से जाना जाता है जिसमें इंसान की मौत के बाद आत्मा की शांति के लिए शादी की रस्म निभाई जाती है। इसमें फर्क इतना होता है कि शादी में दूल्हा दुल्हन की जगह पुतले होते हैं। इस अनोखी शादी में आने वाले मेहमानों को खाना भी खिलाया जाता है यानी दावत दी जाती है। इस प्रथा का पालन मृत लोगों के आत्माओं की शांति के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपको सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कौन सा लगा कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।